गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज सिंपल माइक्रोस्कोप। आज हम पढ़ेंगे भाई सिंपल माइक्रोस्कोप, व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप, व्हाट इज इट्स प्रिंसिपल एंड हाउ इट इज वर्क एंड टू टाइप्स ऑफ केस व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म दैट एलडीडीवी एंड फाइनल इमेज फॉर्म दैट इन्फिनिटी। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसके ऊपर बेस्ड आपका न्यूमेरिकल या सिंपल आपका डेरिवेशन भी पूछ सकता है। तो व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप क्या होता है भाई, बहुत स्मॉल छोटी छोटी ऑब्जेक्ट होती है, उनको देखने के काम आता है। मीन्स उन छोटी छोटी ऑब्जेक्ट की इमेज क्या करता है भाई, उसको इमेज को क्या कर देता है, लार्ज कर देता है। जो ऑब्जेक्ट का साइज था उसको क्या भाई, बढ़ा के दिखाता है। मीन्स सिंपल माइक्रोस्कोप अगर मैं लिखूँ तो क्या भाई, इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस which is used to see, which is used to see large image दिखाएगा भाई किसकी, of a smaller objects, स्मॉल ऑब्जेक्ट होंगी आपकी, यानी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की इमेज क्या बनाएगा आपका, लार्ज बनाएगा। वही क्या आपका सिंपल माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इमेज ऑब्जेक्ट और भी टिनी ऑब्जेक्ट वेरी माइक्रो सेंटीमीटर साइज की जो ऑब्जेक्ट्स होंगी उनका इमेज लार्ज दिखाएगा। ठीक है भाई, सिंपल माइक्रोस्कोप स्मॉल ऑब्जेक्ट्स सेंटीमीटर और उसमें जो होती है आपकी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को क्या करेगा भाई, उनकी इमेज क्या कर देगा, लार्ज कर देगा। उसके बाद इट्स वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल कहो या फिर इसकी थ्योरी कहो भाई, ये की बात है। थ्योरी मीन्स इसका रे डायग्राम कैसे बना आपका, जिस हिसाब से रे डायग्राम बनाओगे उसी हिसाब से वर्किंग प्रिंसिपल और थ्योरी लिख दोगे भाई। रे डायग्राम देख लो, सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप है तो किसका बनाया भाई, एक कन्वेक्स लेंस इसमें यूज होगा भाई, तो बना दीजिए कन्वेक्स लेंस, ये बना दिया आपने, दिस इज अवर कन्वेक्स लेंस, इट इज मेड अप ऑफ ए सिंपल कन्वेक्स लेंस। ठीक है भाई, उसके बाद ये क्या है आपका ऑप्टिकल सेंटर हो, दिस इज अ फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है भाई, एक फोकस आपका ये रहा इधर। ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रखिए भाई आपकी, ओ और एफ को, सो लार्ज इमेज स्मॉल ऑब्जेक्ट की आपको पता है, अगर आपकी स्मॉल ऑब्जेक्ट उसको आप क्या भाई अपराइट यानी कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट सीधा देखोगे, ये तो है नहीं कि ऑब्जेक्ट स्मॉल और उसको आप उल्टा करके देख रहे हो, नहीं, सिंपल माइक्रोस्कोप आपने देखा होगा ऑब्जेक्ट को सीधा दिखाता है। और कन्वेक्स लेंस में सीधी इमेज कब बनती है भाई, जब ऑब्जेक्ट आपकी एफ और ओ के बीच में रखी और लार्ज बनती है और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। ठीक है, तो यही इसके प्रिंसिपल और थ्योरी में भी लिखेंगे, क्योंकि स्मॉल ऑब्जेक्ट को लार्ज दिखा रहा है और सीधा दिखा रहा है, इरेक्ट दिखा रहा है, तो ये कब होगा भाई पॉसिबल, जब आपके ऑब्जेक्ट ओ और एफ के बीच में रखी होगी, रख दो भाई और एफ के बीच में रख दियो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नाम कह दिया भाई से ए बी, फिर क्या आपने रूल लगाओ, पहली रेज कहाँ भाई पैरेलल आई है, आगे कहाँ से जाएगी बोलो, फोकस से भाई चली गई, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल गो पास थ्रू फोकस। और ऑप्टिकल सेंटर से क्या होता है भाई, ऑब्जेक्ट आपकी में सीधी निकल जाती है ऐसे, इधर तो क्या है भाई ये मिलेंगी नहीं, पीछे बढ़ाने से कहीं ना कहीं मिलेंगी, देख लेते भाई कहाँ मिल रही है, लाइक दिस, ये देखो फाइनल इमेज आपकी यहाँ बन गई, ये बन गई भाई। ठीक है, क्या बोल दिया, ए बी था, ए डैश बी डैश, जैसी इमेज बनी है वैसे ही आप वर्किंग प्रिंसिपल और थ्योरी में लिख दोगे भाई, क्या लिखेंगे भाई, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन ओ एंड एफ और एफ के बीच में रखी होगी, देन इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड लार्जर इन साइज, बताओ भाई, तभी तो लार्जर साइज चाहिए ना, स्मॉल ऑब्जेक्ट थी लार्ज चाहिए, तो ऑब्जेक्ट को क्या रखोगे आप और ओके बीच में, लार्जर इन साइज एंड नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड डायरेक्ट कैसे भाई, सीधी है तो आपकी रियल में तो इमेज मिल ही नहीं रही, देखो रियल में तो आपकी यहाँ जा रही है, यहाँ जाएंगी फिर ये इधर ऐसे दूर हटती चली जाएंगी, तो पीछे बढ़ाने से कहीं ना कहीं मिल रही है, तो इसलिए क्या होगी आपकी वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और क्या है भाई आपकी, कहाँ बनी है आपकी, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस साइड आपकी ऑब्जेक्ट है, बाकी इमेज तो कहाँ, इधर ऑब्जेक्ट रखोगे तो इधर इमेज बनती थी,
चाहे इन्फिनिटी पे रखो, चाहे बियॉन्ड सी रखो, सी रखो, बिटवीन एफ और सी रखो, एफ पे रखो, बट ये कहाँ बन गई आपकी, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, ये आपका वर्किंग और प्रिंसिपल था, जहाँ ऑब्जेक्ट रखी है ऑब्जेक्ट का नाम आपने दे भी दिया भाई, ऑब्जेक्ट क्या आपकी ए बी है, और इमेज जो बनी है वो आपकी क्या है, ए डैश बी डैश से बता भी सकते हो। फिर क्या भाई, इसमें दो केस बनेंगे, सबसे पहले केस फर्स्ट, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड या इमेज इज फॉर्म्ड, कहाँ बने भाई, एट एल डी डी वी, एल डी डी वी क्या भाई, लार्ज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, या फिर पेपर में आए डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि जहां से आप इजिली किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हो विदाउट एनी स्ट्रेस आइज, तो वो डिस्टेंस कितनी होती है भाई, 25 सेंटीमीटर होती है नॉर्मल आई की। ठीक है भाई, एल डी डी वी कहे या फिर नियर पॉइंट कहे, कहाँ रखी आपकी ऑब्जेक्ट, नियर पॉइंट पे आपकी इमेज बन रही है, मीन्स एल डी डी वी पे बन रही है, और उसको हम कैपिटल डी से भी लिख देंगे। ठीक है, फाइनल इमेज आपकी एल डी डी वी, उसकी डिस्टेंस कितनी होती है वो नॉर्मल आई के लिए भाई, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ओ से ओ ए क्या आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अगर मैं साइन कन्वेंशन यूज करूँ, बोलो ओ ए क्या आपकी ओ और ए के बीच की डिस्टेंस, हम देखो इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, और आप ओ से ए की तरफ और ओ से ए डैस की तरफ आ रहे हो, तो क्या है भाई आपकी ओ ए क्या होगी, माइनस ऑफ यू, ओ ए डैस क्या होगी आपकी, माइनस ऑफ वी। ठीक है, और ये फाइनल इमेज आपकी वी है, ओ और ए के बीच में कहाँ बन रही है, फर्स्ट केस में एट एल डी डी वी, उसको आप डी से भी लिखोगे, ये प्लस और माइनस, मैंने बोला था ना साइन कन्वेंशन तो हर जगह इंपॉर्टेंट है, देखो इंसिडेंट रे इधर जा रही है और आपकी ऑब्जेक्ट भी इधर पड़ी है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या आ जाएंगे आपकी नेगेटिव। ठीक है, फाइनल इमेज फ्रॉम दैट, तो इसके लिए भाई हम इमेज इसका निकालने के लिए कि इमेज का मैग्निफिकेशन देखेंगे, कितनी मैग्नीफाई हुई है, मैग्नीफाई का मतलब कितना लार्ज बना, आपने पता है एम क्या था आपका, साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, थिन लेंस फॉर्मूले में मैंने आपको बताया भी था सिंपल, लेकिन यहाँ आपका जो मैग्निफिकेशन है, यहाँ आपकी क्या पड़ी है भाई आई, जहां से आप देख रहे हो। ठीक है, ये रही भाई के ए। ठीक है भाई, यहां से आई आपकी देख पा रही है, तो अब आपको पता है एम क्या होगा भाई, इधर मैग्निफिकेशन क्या होगा भाई, सिंपल अगर मैं मैग्निफिकेशन को डिफाइन करूं, इस केस में सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग या रिफ्लेक्टिंग, सब में ही मैग्निफिकेशन क्या रहेगा भाई, इट इज द रेशियो ऑफ एंगल सस्टेंडेड बाय द इमेज टू एंगल सस्टेंडेड by the object on the eye, हमारी आई के ऊपर कितना एंगल सस्टेंड ऑब्जेक्ट कर रही है और कितना एंगल सस्टेंड इमेज कर रही है, वो क्या हो जाएगा आपका मैग्निफिकेशन, क्योंकि यहाँ हम आई को लगा के देख रहे हैं भाई, ऐसे सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसमें से आप ऐसे देखते हो बिल्कुल पास से देख रहे हो, मतलब एल डी डी वी वाला केस हो रहा है, ऐसे दूर से देख रहे हो मतलब इन्फिनिटी वाला केस है, फाइनल इमेज आपकी कहाँ बन रही है वो वाला, तो एंगल सस्टेंड होगा भाई, रियल में वही मैग्निफिकेशन आएगा आप जब सोल्व करोगे साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज यहाँ भी क्या है, एंगल सस्टेंडेड बाई द इमेज टू एंगल सस्टेंडेड बाई द ऑब्जेक्ट ऑन द आई, तो वो क्या मान लेंगे भाई, बोलो यहाँ आपकी आई लगी है भाई, ये तो है नहीं, पहले इस ऑब्जेक्ट वाले एंगल को देखेगी फिर इमेज वाले एंगल को देखेगी, तो सबको एक ही रेफरेंस पॉइंट से देखना है, आई आपकी इमेज को तो देख पा रही है, नीचे ऑब्जेक्ट रखी है और आप सिंपल माइक्रोस्कोप से क्या भाई इमेज देख पा रहे हो ना, उस स्मॉल ऑब्जेक्ट की आप लार्ज इमेज देख पा रहे हो, तो यानी कि रेफरेंस पॉइंट आपने इमेज वाला मान लिया, तो इसको भी उठा के इधर ले आओ भाई, ये देखो बी डबल डैश बोल दिया इसको आपने। ठीक है, तो ये अल्फा, अगर मैं इसमें से मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट आपकी इसके साथ हो के साथ जो एंगल बना रही है वो अल्फा, तो ये जो इमेज बनाएगी फिर तो अल्फा और बीटा आपके क्या हो जाएंगे, इक्वली हो जाएंगे, इसलिए हमें ये रेफरेंस पॉइंट, आपको पता है कोई बिल्डिंग ऐसे होती है आपकी, तो एक आप इस पॉइंट से देखते हो, एक आप उस पॉइंट से देखते हो, यानी कि एक रेफरेंस पॉइंट से ही तो देखते हो एंगल कितना बन रहा है, तो अब भी क्या आपकी आई ये तो है नहीं, पहले इधर से एंगल मेजर करेगी फिर ऑब्जेक्ट से करेगी ना, अब तो सिंपल एक जगह ही आई लगा के देखते हो, तो आप इस ऑब्जेक्ट को भी इसके ऊपर उठा के ले आओ, तो ये देखो भाई
ये क्या हो गया आपका, इधर ये वाला एंगल तो क्या हो गया आपका अल्फा, और ये जो इमेज बना रही है इसके साथ ये वाला बड़े वाला एंगल क्या हो गया आपका बीटा। तो क्या होगा भाई, इमेज बाई ऑब्जेक्ट तो बीटा बाई अल्फा, और एंगल्स आर स्मॉल आपको पता ही है, तो क्या होगा भाई टेंजेंट बीटा बाई टेंजेंट अल्फा लिख सकती हूँ, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। टेंजेंट बीटा क्या होगा भाई, सीधा ट्रायंगल, देखो भाई टेंजेंट बीटा और टेंजेंट अल्फा इसी रेफरेंस पॉइंट से देखना है बीटा कौन से बन रहा है, ए डैश बी डैश और ओ, तो ये कि टेंजेंट बीटा और अल्फा के लिए कौन सी एंगल ट्रायंगल, देखो सीधा ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ एंड ए डैश बी डबल डैश, ये वाली ना, ये वाली ऑब्जेक्ट इसके ऊपर ही उठा के लिया है ताकि एक ही रेफरेंस पॉइंट से आई एंगल अल्फा भी देख पाए और बीटा भी देख पाए, ए डबल डैश बी ओ, ठीक है। तो टेंजेंट क्या होता है बताओ भी आपका, ये वाला एंगल है और ये 90 डिग्री है, ये तो आपका बेस हो गया और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने की लेंथ क्या होती है आपकी हाइपोटेन्यूज, तो क्या होता है भाई टेंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बीटा देखो ये बन रहा है बड़ी वाली ट्रायंगल में, तो क्या आएगा बोलो ए डैश बी डैश डिवाइड बाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है भाई ओ ए डैश डिवाइड बाई, अब बोलो ए डैश बी डैश ओ में, तो क्या आ जाएगा ए डैश बी डबल डैश डिवाइड बाई ओ ए डैश, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या रह गया भाई बोलो एम इक्वल टू क्या रह गया ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए डैश बी डबल डैश, ए डैश बी डबल डैश किसके इक्वलेंट है भाई ए बी के ही, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी, तो यही वही आ गया, नहीं आ गया ये क्या था बोलो साइज ऑफ इमेज ए डैश बी डैश देखो भाई, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट वही है भाई सिंपल माइक्रोस्कोप में जो अब तक करते आए थे, बस क्या है भाई सिंपल माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो आपकी स्मॉल ऑब्जेक्ट की लार्ज इमेज बनाता है भाई। वर्किंग और थ्योरी क्या है, फर्स्ट केस में क्या किया आपने वैन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन ओ एंड एफ, इमेज क्या बनी कैसी बनी किस नेचर की बनी वो लिखते हुए, उसके बाद केस फर्स्ट करने हैं वैन फाइनल इमेज फॉर्म डैट एल डी डी वी डिस्टेंट विजन या नियर पॉइंट, कोई भी एक वर्ड यूज करेगा भाई देख लेना, तो इसका मतलब यही वाला केस करना है। इसमें हम सिंपल मैग्निफिकेशन एम की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं भाई, ये जो हमारी ऑब्जेक्ट थी कितना मैग्नीफाई होगी, मैग्नीफाई का मतलब बड़ा, अब जब एम की वैल्यू ग्रेटर देन वन आती है तभी तो आपका मैग्नीफाई हुआ है, लेस देन वन आती है मतलब छोटा रहेगा, और इक्वल टू वन आती है मीन्स सेम साइज की बनगी, इसी पे बनती थी ये सी से पीछे बनती थी और ये वाली सी से जैसे जैसे आगे आएंगे, जैसे जैसे आप आगे आ रहे हो साइज पीछे क्या है बढ़ता जा रहा है, अपने इमेज फॉर्मेशन में किया भी होगा देखा भी होगा, ठीक है भाई। तो मैग्नीफिकेशन एम से ग्रेटर देन आना चाहिए भाई वन से, तभी क्या होगा आपका मैग्नीफाई, देखते हैं कितना आता है, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी भाई हमारी, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसको रब कर रही हूँ भाई मैं, ठीक है, जैसे आपने तीन फॉर्मूला में किया था वैसे ही है, जस्ट बार बार नहीं लिखूंगी मैं मैग्नीफिकेशन क्या है आपका, अभी एंगल सस्टेंडेड बाई द इमेज टू एंगल सस्टेंडेड बाई द ऑब्जेक्ट ऑन द आई, आई के ऊपर ही, आई के ऊपर ही देखना है मतलब आई को, आई ये तो है नहीं पहले ये देखेगी फिर ये देखेगी, नहीं आई को आप एक रेफरेंस पॉइंट पे ले आओ भाई, ऑब्जेक्ट को भी उठा के आप इधर ले आओ, इसको तो उठा के इसके ऊपर ला नहीं सकते, तो इसलिए इसको उठा के इसके ऊपर ले आओ भाई, उधर से ही दोनों ट्रायंगल मेजर कर लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो सीधा ट्रायंगल, अब देखो भाई ए डैश बी डैश ओ एंड ए बी ओ आर सिमिलर है या नहीं है बोलो, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं भाई ये एंगल्स तो क्या दोनों में सेम है, ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ में सिमिलर है आपकी, और क्या है भाई ये 90 डिग्री है, और तीसरा तो फिर ऑटोमेटिक इक्वल एंगल, एंगल एंगल से क्या होगी ये सिमिलर होगी भाई, तो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो उनकी साइड का रेशियो क्या रहेगा इक्वल, तो क्या लिख सकती हूँ बोलो ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आप ए बी ऊपर लिख दो ए डैश बी डैश नीचे लिख दो फिर उसी हिसाब से आपके रिजल्ट आ जाएंगे, तो यहाँ हमने ये ऊपर था इसलिए ये भी ऊपर ही लिख लिया, तो ये वाला लिख लिया और नीचे क्या लिखूंगी बोलो भाई ओ ए ए डैश बी डैश ओ ए डैश डिवाइड बाई ओ ए, ठीक है भाई ए डैश बी डैश ये रहा क्या था हमारा एम के इक्वल था या नहीं था, इसलिए इसको मैंने इधर एम लिख दिया, ओ ए डैश की वैल्यू कितनी है भाई ओ ए डैश क्या है भाई इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को किससे लिखती हूँ भाई वी से, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ओ ए क्या है आपकी यू है, बट दोनों ही क्या है
नेगेटिव है, क्यों है भाई? साइन कन्वेंशन यूज किया है, माइनस माइनस क्या हो गया भाई? प्लस। इक्वेशन सेकंड बताओ, यही आया था नहीं आया था? मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज, क्योंकि दोनों ही ऊपर बन रही हैं, ये दोनों तो वैसे ही प्लस होंगी। हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और वी बाई यू, बताया था ना मैंने, लेंस फॉर्मूला में बीच में माइनस आता है तो मैग्निफिकेशन हमेशा प्लस आएगा। देख लो दोनों माइनस माइनस आपके कैंसिल हो गए। अगर आपकी इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ये माइनस हो जाएगा तो आपकी इमेज भी क्या हो जाएगी? वी प्लस हो जाएगी। फिर वो माइनस माइनस कैंसिल आना, यही था ठीक है। तो इसी से फ्रॉम थिन लेंस फॉर्मूला, अब थिन लेंस फॉर्मूला से देखते हैं भाई क्या होता है। 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। हमें तो वी बाई यू चाहिए ना, एम को इंट्रोड्यूस करवाना है, तो थ्रू आउट क्या कर दूंगी मैं, मल्टीप्लाई बाई वी, वी से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया भाई। इधर क्या आ गया बोलो, वी बाई एफ इज इक्वल्स टू वी बाई वी माइनस वी बाई यू। वी बाई वी वन और वी बाई यू क्या है बोलो, एम है या नहीं है? तो v बाई एफ इज इक्वल्स टू वन माइनस v बाई यू की जगह क्या लिख सकती हूँ भाई मैं, इधर m, m को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो क्या हो गया बोलो, m इज इक्वल्स टू वन माइनस v बाई एफ। ठीक है भाई, ये हमारा मैग्निफिकेशन आ गया। बट अब केस कौन सा चल रहा था हमारा बोलो, एट एल डी डी वी, तो आप, आपको पता है v की वैल्यू क्या होगी भाई, एल डी डी वी, यानी कि यहाँ से लेके ओ से लेके ओ डैश तक v है, और v की वैल्यू क्या है इधर ये वाली डी, एल डी डी वी को किससे लिख रहे हैं भाई, डी, और डी की वैल्यू कितनी होती है 25 सेंटीमीटर। तो वी की जगह क्या लिखूंगी भाई, डी, डी वी कैसा भाई बोलो, माइनस का, क्योंकि इंसिडेंट रे इधर और ओ से ए डैश की तरफ आप इधर आ रहे हो, माइनस डी पुट कर दो। एफ क्या है, फोकल लेंथ ये वाली बोलो, इंसिडेंट रे भी इधर और ओ एफ भी इधर, तो ये तो प्लस ही रहेगी भाई, एफ तो आपकी प्लस एफ ही रहेगी भाई। ठीक है, ये वाली एफ नहीं लेना, देखो पैरेलल आई है, इस फोकस से जाइए तो ये वाला फोकस यूज होगा भाई। एम इज इक्वल्स टू वन माइनस वी की जगह माइनस डी डिवाइड बाई एफ, कितना आ गया, वन प्लस डी बाई एफ, यही था भाई फर्स्ट केस, वन प्लस डी। देखो वन में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, तो यानी वन से ग्रेटर ही आ रहा है, तो इसका मतलब जितनी साइज हाइट थी ऑब्जेक्ट की उससे ज्यादा ही साइज की बन रही है, नहीं बन रही इमेज, और लार्ज बन भी रही थी और मैग्निफिकेशन से भी कंफर्म हो गया। वन में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, मतलब वन से ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन का मतलब क्या है, मैग्निफाई हो रही है, और वहां आप कहां से देख रहे हो, आई से। आपको ध्यान रखना, आई आपका सिर्फ एक ही रेफरेंस पॉइंट से देखना आपको एंगल अल्फा भी और बीटा भी। अगर आप ए बी में अल्फा ये बना लेते हो और बड़ी वाली का बीटा, फिर तो दोनों इक्वली हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो बस जस्ट कुछ नहीं किया भाई हमने, जस्ट तो यहां तक तो हमारा वो पिछले वाला ही चल रहा था, मैग्निफिकेशन क्या था इसमें, थोड़ा सा एंगल सस्टेंडेड इमेज टू ऑब्जेक्ट, बीटा बाई अल्फा, बीटा स्मॉल है, टेंजेंट बीटा बाई टेंजेंट अल्फा, और ट्रायंगल्स इसमें नहीं देखना, इसको इधर उठा के लिया है, छोटी वाली ट्रायंगल में और बड़ी वाली ट्रायंगल में टेंजेंट अल्फा लगा दिया आपने, ये वाला तो कैंसिल हो गया, हाइट आपकी ये रह गई थी। तो ये आ गया था आपका साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और जब ये ट्रायंगल्स है तो ये इसके भी इक्वल होगा। वी ये किसके इक्वल है भाई, ओ ए डैश, देखो इंसिडेंट रे इधर और हम ऐसे मेजर कर रहे हैं इसलिए माइनस वी, इंसिडेंट रे उधर हम ऑब्जेक्ट वाली भी इधर मेजर इसलिए माइनस माइनस प्लस। ये इक्वेशन सेकंड, तो हमें तो एम निकालना है, तो थिन लेंस फॉर्मूला से 1 बाई एफ, 1 बाई वी, 1 बाई यू। अब हमें वी बाई यू चाहिए, तो थ्रू आउट किससे मल्टीप्लाई कर दें भाई, ऊपर वी से। ये आ गया आपका, जैसे ही आप वी की वैल्यू क्या पुट करनी है, फर्स्ट केस में वी की जगह भाई माइनस ऑफ डी, ये आपका रिजल्टेंट आ गया। अब सेकेंड केस देखते हैं भाई, एम की वैल्यू क्या आ गई भाई इधर, वन प्लस डी बाई एफ, कब भाई, जब फाइनल इमेज एट एल डी डी वी पे बन रही है या नियर पॉइंट पे बन रही है, ठीक है तब। और सेकंड केस भाई अब देखते हैं, केस सेकंड, इमेज इज फॉर्म डाटा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे कहो या फिर नॉर्मल विजन कहो भाई, क्या पता इस नाम से आ जाए, और क्या कहे भाई, रिलैक्स्ड आई। न्यूमेरिकल में भी ध्यान रखना जब होगा तो आपको मैग्निफिकेशन कौन सा लगाना है, नॉर्मल विजन का आया, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बोल रहा है रिलैक्स्ड आई। रिलैक्स्ड आई का मतलब क्या है, एक तो आप ऑब्जेक्ट को बिल्कुल अपनी आंख के पास रख के देखो, तो आप बिल्कुल
अच्छे से नहीं देख पाते हो, एक आपकी ऑब्जेक्ट कुछ दूर रखी है यानी कि आपसे बहुत ज्यादा दूर है मतलब इन्फिनिटी पे रखी है, तो तब आप बिल्कुल आंखों को रिलैक्स करके देख पा रहे हो, इसलिए इसको रिलैक्स आई भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो फाइनल इमेज को कहाँ बनाना है भाई, इन्फिनिटी पे। अब इन्फिनिटी की फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखी होती है बोलो, एफ पे रखते हैं तभी तो इन्फिनिटी पे बनती है, जब ऑब्जेक्ट एफ पे इमेज इन्फिनिटी पे, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे इमेज एफ पे, सी की सी पे, बिटवीन सी एंड एफ की क्या बनेगी भाई, बियॉन्ड सी, और बियॉन्ड सी की कहाँ बनती है भाई, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन एफ एंड ओ कहाँ बनती है, सेम साइड बनती है आपकी, लेंस के या मिरर है तो मिरर के अपोजिट साइड बनती है। ठीक है, अभी ये वाला केस तो हमने किया था जब आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही थी इस केस में, तो और बाकी इन सारे केसों में कैसी बनेगी भाई, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, यही था आपका, ये आपने टेंथ में पढ़े भी होगी, नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेना बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कहने का मतलब ये है कि आपको अब इमेज वहां तो क्या बनानी थी, मैग्नीफाई बनानी थी, रेक्ट बनानी थी, इसलिए और एफ के बीच में रख दिया। अब आपका एक क्लियर होना चाहिए भाई, इमेज जब इन्फिनिटी पे बन रही है तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, फोकस पे, तो रख दो भाई ऑब्जेक्ट को फोकस पे। ये रहा हमारा कन्वेक्स लेंस, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं भाई। ये ओ आपकी, ये अब रख दिया आपने एफ पे। ठीक है, फिर वही पैरेलल आई है, कहाँ से जाएगी ये एफ, इतनी डिस्टेंस पे क्या बनेगा इधर आपका एफ, कहाँ से जाएगी भाई, फोकस से चली गई, दूसरी कहाँ से भाई, इधर ओ से आई है, ओ से ही निकल जाएगी। तो ये क्या भाई, इधर आपकी क्या पड़ी है भाई, सिंपल आई पड़ी थी। ठीक है, तो फिर आपकी ये फाइनल इमेज अब मिलेंगी नहीं, तो पीछे कहाँ दिख रही होगी आपकी इमेज, कहाँ बन रही है भाई, इन्फिनिटी पे, मिली नहीं रही कहीं, पैरेलल रेज है ना, तो ये इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी भाई कहीं ना कहीं। अब हमें तो क्या है, इसमें नॉर्मल एडजस्टमेंट कहो या नॉर्मल विजन कहो, रिलैक्स आई कहो या इन्फिनिटी पे। अब ये वाला एंगल जो आपकी ये ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ी है, ए बी, ऑब्जेक्ट का नाम ए बी, अब हमें नहीं पता कहाँ बन रही है, बट हमें तो मैग्निफिकेशन निकालना है भाई, इसकी भी थ्योरी में वही लिखेंगे वर्किंग और प्रिंसिपल में, देन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एफ, देन इमेज इज फॉर्मड एट इन्फिनिटी, कहाँ बन रही है इमेज, इन्फिनिटी पे, और वेरी हाई मैग्नीफाई, इन्फिनिटी पे बन रही है तो वेरी लार्ज या हाईली मैग्नीफाइड कहेंगे भाई। ठीक है, फिर वही भाई अल्फा और बीटा देखेंगे मैग्निफिकेशन के लिए, तो क्या होगा, बीटा भाई अल्फा, बोलो होगा या नहीं होगा। तो अब हमें नहीं पता कि इन्फिनिटी कहाँ है भाई, मान लीजिए इन्फिनिटी कहीं यही है, नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला केस मान लेते हैं, अब मान लीजिए ये हमने मान लिया, तो ये जो फाइनल इमेज है ए डैश बी डैश कहाँ बन रही है, ये फिर मान लीजिए भाई एल डी डी वी पे ही बन रही है। ठीक है, रियल में बनती नहीं है, मान लेते हैं कहीं ना कहीं तो बन रही होगी, क्योंकि इसमें मान लिया, तब अल्फा क्या होगा भाई, भाई वो वाला एंगल इसके ऊपर उठा के ले आओ, ए डैश था ना ये, तो ये क्या होगी भाई बी डबल डैश मान लिया, तो ये वाला एंगल यहाँ से क्या बनाएगा भाई, वही भाई हमारी आई तो क्या है एक ही है ना, तो एक ही रेफरेंस पॉइंट से अल्फा और बीटा देखना है, तो ये वाला अल्फा और ये वाला क्या हो गया भाई बीटा। ठीक है, अब यही है बीटा क्या है, स्मॉल है तो टेंजेंट बीटा, और ये क्या है आपका टेंजेंट अल्फा। ठीक है, अब टेंजेंट बीटा रियल में तो इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, हमने एल डी डी वी पे मानी है, तो हम बीटा इस छोटी वाली में ही देख ले ए बी ओ में। ठीक है, ट्रायंगल ए बी ओ में देख लिया, और अल्फा तो आपको दिख ही रहा है, अगर इसी में देखेंगे तो दोनों इक्वली हो जाएंगे भाई, किसमें देखोगे भाई ए डैश बी डबल डैश ओ में। ठीक है, तो लिखो क्या होता है, हाइट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो क्या लिखोगे भाई बोलो, टेंजेंट बीटा इन ट्रायंगल ए बी ओ में, तो ए बी डिवाइड बाई क्या लिखोगे ओ एफ, बोलो भाई ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है ये वाली ए बी ओ, ए ओ लिखो या ओ एफ लिखो, बात तो एक ही है भाई, ओ ए लिख दो, ओ ए ऑब्जेक्ट अब रखी है एफ के ऊपर है, ओ ए लिख दो और ओ एफ भी लिख सकते हो। ठीक है भाई, चलो पहले ओ ए लिख लेते हैं, उसके बाद इमेज, इमेज वाला तो आपने लिख लिया, टेंजेंट बीटा इसमें देखा है भाई, क्योंकि ये क्या आपकी रियल में बन नहीं रही है, रियल में तो यही बनेगी ना आई पे, तो इसी की देख रहे हैं, इन्फिनिटी पे बन रही है,
तो इसमें बीटा देख लिया और अल्फा आपने इधर से देख लिया, तो ए बी बाई ओ ए इधर क्या हो जाएगा बोलो, ए डैश बी डबल डैश डिवाइड बाई ओ ए डैश, बोलो भाई ओ ए डैश बी डबल डैश किसके इक्वलेंट है भाई, ये वाली ए बी के इक्वल है या नहीं है, तो इधर मैं ए बी पुट कर दूँ तो क्या आ जाएगा बोलो, ए बी डिवाइड बाई ओ ए इधर इंटू में ए डैश बी डबल डैश की जगह क्या लिखूंगी, ए डैश बी डबल डैश की जगह क्या लिखूंगी भाई, ए बी ओ ए डैश ये कैंसिल, तो क्या आ गया आपका बोलो, ओ ए डैश डिवाइड बाई ओ ए, ओ ए डैश आपका कहाँ बन रहा है बोलो, ओ ए डैश यहाँ से यहाँ तक कहाँ बन रहा है आपका, एल डी डी वी या इमेज डिस्टेंस वी से लिखो, वी की वैल्यू क्या है भाई बोलो, यही क्या आपकी वी थी, वी की वैल्यू क्या है, क्या भाई इंसिडेंट रे, ऐसे हम कैसे मेजर कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या लोगे बोलो माइनस ऑफ डी, और ओ एफ या ओ ए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको यू से लिखो या यू, ये कहाँ बन रखी ऑब्जेक्ट एफ पे, तो इधर क्या हो जाएगी आपकी सिंपल एफ, वो भी क्या सी भाई माइनस की, ये देखो ना एफ पे रखी है, तो ये वाली डिस्टेंस ओ से ए तक कहो या ओ एफ कहो बात एक ही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू उसकी वैल्यू क्या है भाई यहाँ ये री, हम ऐसे आ रहे हैं और इंसिडेंट रे ऐसे जा रही, इसलिए दोनों क्या आ गए आपके माइनस डी डिवाइड बाई माइनस ऑफ एफ, माइनस से माइनस कैंसिल आउट डी बाई एफ ये आ गया, और ये क्या था आपका मैग्निफिकेशन ही तो था, एंगल सस्टेंडेड बाई द इमेज टू ऑब्जेक्ट एट द आई, आई के ऊपर ठीक है भाई, तो क्या हो गया भाई मैग्निफिकेशन कम हो गया ना, जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है तो वन टाइम्स वन जो प्लस हो रहा था यहाँ क्या था उसमें, तो आपका क्या आया था देखो वन प्लस डी बाई एफ, और इधर क्या आ गया सिंपल डी बाई एफ, तो ये वन वन से क्या हो गया आपका डिक्रीज हो गया सिंपली, भी हमें पता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का भी जो रिजल्ट आएगा उसमें भी इधर वन प्लस कुछ ना कुछ आएगा तो उसमें भी ये वन हट जाएगा आपका ठीक है, कैसे हटाया ये मैंने बता दिया आपसे, ये जस्ट याद रखने का तरीका है भाई, जब फाइनल इमेज आप एल डी डी वी वाला मैग्निफिकेशन निकाल चुके हो तो उसमें से वन को गायब कर दो तो किसका हो जाएगा ये नॉर्मल एडजस्टमेंट का या रिलैक्स डाई का या इमेज फॉर्म डाटा इन्फिनिटी का, जैसे ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी वन प्लस आएगा आपका इधर तो उसको हटा देंगे, हटाएंगे विद द हेल्प ऑफ इन दिस डायग्राम, आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं भाई, अब वी को रियल में तो इन्फिनिटी पे मिल रही थी हमने तो ये जस्ट मानना है ना, तो मान्य हुई में ट्रायंगल नहीं देखेंगे, जो रियल ट्रायंगल है उसमें ही देखेंगे बिट्टा ठीक है, और अल्फा आपको दिख ही रहा था तो इधर से ही इसमें ही देख लेते ए बी, ए बी रियल में होना तो लास्ट में ए बी था, ये भी कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन ये ओ ए डैश इमेज वाला भी तो आना चाहिए ना इमेज, ये जहां भी बन रही होगी आपकी ठीक है, तो हमने मान लिया कि डी पे बन रही है ठीक है, इसलिए ए डैश बी डैश ये इसके इक्वल थी, इधर इसकी वैल्यू पुट कर दी, एम क्या आ गया आपका डी बाई एफ ठीक है भाई, ये आपका सिंपल माइक्रोस्कोप का था आपका न्यूमेरिकल, प्लस माइनस का फिर कह रही हूँ ध्यान रखना है, कई बच्चे सोच लेते हैं भाई राइट में डिस्टेंसेज प्लस होती है लेफ्ट में माइनस होती है, बाई चांस अब तक यही आ रहा है, क्या पता वो ऑब्जेक्ट को न्यूमेरिकल में राइट हैंड साइड रख दे तो इंसिडेंट रे इधर आ रही है तो इधर वाली पॉजिटिव होंगी बेटा, फिर कई बच्चे रट रहे हैं कि इधर है ना, जैसे आपका मैथ में होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऐसा नहीं है बिल्कुल, मैं फिर कह रही हूँ ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या पता मैं एफ इधर वाले पर रखती फिर तो ये बनती, फिर तो आपकी राइट वाली हो जाती लेकिन फिर भी वो नेगेटिव ही आती, क्योंकि इंसिडेंट रे अभी इधर आ रही थी हम उससे अपोजिट जा रहे हैं, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन देखना, देखो इंसिडेंट रे आपकी इधर गई है, और ऑल द डिस्टेंसेज ओ से ही मेजर करनी है, ओ से ही ऑब्जेक्ट की तरफ, ओ से ही डिस्टेंस की तरफ, ओ से ही आपका जो भी फोकल लेंथ आप यूज कर रहे हो उसकी तरफ, तो इसलिए दोनों माइनस आई है भाई, ये मैं सोचना कि लेफ्ट में इसलिए माइनस ले ली ना, ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ इंसिडेंट रे के हिसाब से ही प्लस माइनस डिसाइड करते आ रहे हैं हर डेरिवेशन में, और आगे भी कल भी ऐसे ही करेंगे, कल भी यही मैग्निफिकेशन ही निकलेगा, टेंजेंट बिट्टा बाई टेंजेंट अल्फा डायग्राम थोड़ा अलग होगा, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप में आपका एक कन्वेक्स लेंस यूज होता है उसमें आपके दो होंगे भाई, एक ऑब्जेक्टिव और एक आई, देखते हैं भाई कल ठीक है, यहाँ तक कर लेना बहुत ही आसान है, अगर समझना है तो दोबारा इसको पीछे से फिर देख लेना भाई ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।